आज दोस्तों आप लोगों के सामने लेके आए हैं गांव का 25 ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होगा। आप इसको आसानी से कम कर सकते हैं, इसको कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 25 बिजनेस आप कैसे करें, इसमें दोस्तों आपकी कितनी लागत आएगी, आप इसको कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सामान्य दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों चलिए हम जानते हैं वो 25 बिजनेस। पहले है दोस्तों ग्रोसरी का बिजनेस, ग्रोसरी किराना स्टोर। दोस्तों ये इसमें जो सामान आते हैं ना वो डेली नीड के होते हैं, सबके घर की डेली की ज़रूरत होती है। तो हमको कभी भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए तो ऐसा बिजनेस चॉइस करना चाहिए जिसमें डेली निकलता रहे बिजनेस। जब हमारा रूटीन उसमें प्रोडक्ट अप डाउन होते रहेंगे, उसमें कम हमको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो भी हमारा बिजनेस वो नंबर वन पे चलेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने में आपको चाहे कोई भी आपदा आ जाए, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि लोगों खाने पीने की नीड होगी, उसके लिए चलता रहेगा। तो इसको कैसे करना है, अगर आप दोस्तों इसको ग्रामीण में खोल रहे हैं तो दो ढंग से कर सकते हैं, एक गांव में और एक गांव के जो अगल बगल बाजार होती है। तो एक आपको कमरा लेना है, कमरे को दोस्तों मेंटेन करना इतना बहुत ज़रूरी है, उसका दोस्तों डिस्प्ले लुक अच्छा हो, जिससे दूर से ही देखने में लग जाए कि दुकान बहुत बढ़िया है। लोग अट्रैक्टिव होते हैं लुक पे, सामान तो बाद में देखते हैं। और सामान क्या रखना है, सामान अभी आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है। अब आपको ये देखना है कि डेली नीड में क्या होता है, जो ज़रूरत होती है, नमक होता है, तेल होता है, चीनी होता है, नमकीन, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसको आप रखिए। और गांव में सबके घर दाल चावल होता है तो दाल चावल आटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ लोग वहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे वर्कर लोग रहते हैं तो आप कुछ आटा दाल चावल रख सकते हैं, वो तो आप गांव से ही किसी के घर से खरीद के रख सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस ढंग से ऐसे इसका चुनाव करके आप छोटे पूंजी में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 10 से 20% प्रॉफिट होगा, यानी 20 से किसी किसी में कुछ ऐसे न्यू प्रोडक्ट आपको आ जाएंगे, जब आपकी दुकान चलने लगे किसी में 25 से 30% होगा, यानी मिनिमम 10% का आपका होगा। अगर 10% डेली का आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मान लीजिए 5000 की बिक्री हो गई तो भी आपका 500 रुपये हो गया, डेली अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर आप ग्रामीण में भी चलता है, सब जगह छोटी जो आपके यहाँ जो छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो वहाँ पर आप खोल सकते हैं। इसमें भी आपको डिस्प्ले ध्यान देना होगा दोस्तों। अब इसमें लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी आप ग्रामीण में चले जाएंगे या कहीं देख लेंगे, लगभग 30% तो ऐसे रहते हैं मेडिकल स्टोर नहीं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिना लाइसेंस से सारे कागजात बनवा के खोलिए। आपका ग्रे उफ लाइक है, आपके पास वो डिग्री है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप अपने DI ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको जो है लाइसेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है सरकार उनके पास रहते हैं, तो किसी का भी आप भी फार्मा का डी फार्मा का आप डिग्री लगा के लाइसेंस बनवा के खोल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप गांव में आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल दीजिए। आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको आप खोल सकते हैं। बस उसमें भी आपको डिस्प्ले ध्यान देना होगा, उसमें जो मतलब डेली निकलने वाली मेडिसिन है पहले वही रख लीजिए, कम पूंजी में भी इसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका फ्लोर मिल। फ्लोर मिल भी दोस्तों ये बहुत बढ़िया चलता है, तो इसको दो ढंग से आप कर सकते हैं। एक तो ये स्वचालित आ गया, आप इसको स्वचालित सिस्टम में हमारे वीडियो डाला हुआ है उस पर आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप ऐसे भी गांव को भी पीसिए, फिर इसमें जो आपका आटा है इसको आप ब्रांड बनाकर भी बेच सकते हैं। अब उसको 5 किलो में, 25 किलो में, 10 किलो में, 50 किलो में बिकता है, तो इसको आप गांव से दोहे गेहूँ एकत्रित करिए, उसको आटा करिए, ब्रांड बनाइए, बेचिए। अब ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, रेडीमेड बोरी मिलती है वहाँ से खरीद लीजिए। आपको अब फूड प्रोडक्ट कोई बेचने के लिए आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर इसको जब बड़े स्तर पर हो जाएगा तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। तो इस ढंग से ये भी आपका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों है आयल मिल, तेल का बहुत बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। सबको तेल की ज़रूरत है घर में, तो उसको आप गांव में आप मिल लगा सकते हैं, छोटी मिल लगा सकते हैं, बड़ी मिल लगा सकते हैं, जैसे आपके पास बजट है। तो छोटी मिल लगा लीजिए, तेल को उत्पादन करिए,
आप उसमें गांव के वाले को अभी तेल पेर के उधर पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। जब आपके पास टाइम मिल जाए उस टाइम में आप इसको पेर के दोस्तों आप इसको ब्रांड बनाइए, आपको जो है लीटर का बोतल मिल जाएगा आपको रेडीमेड, उस पर स्टीकर छपवा लीजिए, स्टीकर छपवा करके आप इसको अपना तेल बना सकते हैं। तो जैसे जो रिक्वायरमेंट लाइसेंस की है उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ बता दें, हर एक चीज़ में एक बात बात करना ठीक नहीं है, तो हम ये बताएंगे लास्ट में कि आपको जो बिजनेस करना होगा उसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए, या आप उसको जो करना चाहते हैं उसको आप कैसे करें आप हमें पूछेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे, या आप कहेंगे उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो ही डिटेल बना के आपको दे देंगे, एकदम आपको आसानी हो जाएगी बिजनेस करने में। तो चलिए दोस्तों अगला बिजनेस जानते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों क्लोथिंग, कपड़े का स्टोर। कपड़े का स्टोर भी बहुत बढ़िया चलता है, इसमें भी सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होगा दोस्तों, जो होगा दुकान का लुक और डिस्प्ले उसको बहुत ओके रखिएगा। तो कपड़ा जो रखना है दोस्तों उस हिसाब से रखिएगा, वहाँ पे एरिया कैसे है एरिया के हिसाब से आपको कपड़े रखने, बहुत हाई फाई नहीं रखने। और एक चीज़ ध्यान देना है, फैशन के हिसाब से क्या फैशन चल रहा है उसका थोड़ी थोड़ी पीस रखेंगे, क्योंकि गर्मी में फिर फैशन चेंज हो जाता है, ठंडी में फिर फैशन चेंज हो जाता, तो हरदम फैशन चेंज होते रहते हैं। आप ज़्यादा स्टॉक में रख लेंगे तो आपकी पूंजी वेस्ट हो जाएगी, वो आपको कूड़े के भाव बेचना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी पीस रखिएगा, निकल जाएगा तो फिर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आ गया मिल्क सेंटर। मिल्क सेंटर बहुत बेस्ट है दोस्तों, जिसको कहते हैं आप जो फ्रेंचाइजी होती है उस टाइप का आप ले सकते हैं, जो मार्केट में कंपनियाँ हैं जैसे अमूल है, नमस्ते इंडिया, कहीं कहीं सब जगह पर अलग अलग चलता है, इनके दोस्तों जो है कलेक्शन सेंटर खुले होते हैं। इस कलेक्शन सेंटर को आप ले करके यहाँ पे 3 से 4 रुपए लीटर का आपका बचत होगा। तो गांव से ले जाके वहाँ पे लोग दूध देते हैं, ये आप गांव वाले से खुद संपर्क करके दूध एकत्रित करिए, बेचिए, 2 घंटे का काम होता है, उसके बाद आप आना आराम से आप काम कर सकते हैं, ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों डेयरी उद्योग, आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं। गांव में दोस्तों चारे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गांव में अपना गाय भैंस जो खोलेंगे, जगह भी बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में होती है, तो गाय दोस्तों डेयरी उद्योग खोलने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो आप सरकार से सब्सिडी लोन लेकर के गाय उद्योग खोलिए, डेयरी उद्योग खोलिए, चाहे भैंस रखिए चाहे गाय रखिए, आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे चारे आपको सस्ता मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी खाली होती है जहाँ पे आप अपना गाय भैंस जाकर चरा सकते हैं सुबह शाम। तो इस ढंग से ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें जान लीजिए दोस्तों पैसा डबल हो जाता है साल भर में, तो बिजनेस आप कर सकते हैं। दूसरा दौर 8वां है दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस ये भी बहुत चलता है, चाहे छोटी मार्केट हो चाहे बड़ी मार्केट हो, बस ये ध्यान देना है कि उस एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं, इसका आपको चुनाव करना है, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखना है। अब आपको सामान कहाँ लेना है, सामान आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं, या आप अगर आप किसी महानगर से फटे हुए हैं तो वहाँ महानगर में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके यहाँ से आप सामान लाएंगे तो आपको दोस्तों 3 से 4 गुना प्रॉफिट होगा। इस ढंग से कॉस्मेटिक का आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया टी स्टॉल एंड स्वीट्स। टी स्टॉल का तो बिजनेस 12 मास चलता है, इसको भी आप आसानी से खोल सकते हैं, कम पूंजी में खोल सकते हैं, इसको कहीं पर भी खोल ले, छोटी बड़ी मार्केट में कहीं भी खोल सकते हैं। बस एक चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी एक चीज़ में आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, या तो चाय बनाने में या तो कोई एक टाइप का मीठा बनाने, जिससे आपकी दुकान पॉपुलर हो जाएगी, एक चीज़ का आप स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। उसके बाद दोस्तों 10वां हो गया पान शॉप। पान शॉप की भी दुकान बहुत अच्छे से चलती है, तो आप पान शॉप में भी बहुत कम पैसे लगे, आप देखते होंगे देखे भी होंगे कहीं कहीं के पान दोस्तों 10-10, 5-5 हज़ार रुपए में एक पान बिकता है, 300-400 रुपए में पान बिकता है, नहीं तो कॉमनली 8-10 रुपए में एक पान बिकता है, लागत आधी आती है, दोगुना प्रॉफिट होता है। इसका बिजनेस भी नए ढंग से नए लुक में आप खोल सकते हैं, जब भी कोई काम करिएगा नया लुक एकदम नया दीजिएगा सबसे हट करके, तो जिसका बिजनेस आपको करना आप बताएंगे दोस्तों, हम वो बता देंगे आप उसको किस लुक में करिए, उस एरिया की सारी दुकान बंद हो जाएगी, ओनली वन आपकी दुकान चलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे ग्राम फ्रूट एंड वेजिटेबल का शॉप। एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का शॉप ये भी 12 मास चलता है, गांव में आप खोलिए चाहे जहाँ खोलिए दोस्तों, अगर गांव में खोल रहे हैं तो आपको किसान के घर से भी ताज़ी ताज़ी डेली सब्जियाँ मिल जाएंगी, मार्केट से फल उठाइए बढ़िया से बेचिए और कमाई करिए, ये भी अच्छा बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आगे ग्रेन स्टोर। एक ग्रेन स्टोर बहुत बढ़िया बिजनेस है, जैसे गाँव में पहले लोग साइकिल पर बात के फेरी जाते थे, सबके घर से राशन इकट्ठा करते थे लाते थे अपने यहाँ, तो हफ्ते में दोस्तों 2 दिन
मार्केट होती है डिस्ट्रिक्ट में, बड़ी मार्केट लगती है, तो दो दिन में बटोरते थे, जो कलेक्शन किए रहते ले जाके बेच देते थे। तो गांव वाले सब इनको जानते थे, तो गांव वाले जब आपको जानते रहेंगे तो दोस्तों वहां पैसा भी नहीं देना, उनके घर से आप धान गेहूँ खरीदिए, मार्केट में बेचिए, बेचने के बाद पैसा दीजिए, बीच में जो आपका कमीशन प्रॉफिट आपका हो गया, पूंजी भी नहीं लगना, ये सबसे बेस्ट स्टोर है। जब आपका ये बड़ा बिजनेस हो जाएगा, बड़े लेवल पर हो जाएगा, लोग आके वहीं आपको दे देंगे, तो बस वहीं से खरीदिए, बेचिए, पैसा लीजिए, अप डाउन करिए, बहुत बेस्ट बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों गुड़ मेकिंग बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। आजकल गांव का गुड़ शहर में बहुत बिकता है, वो भी अच्छे रेट में बिकता है। आज की डेट में जो गांव का गुड़ बिक रहा है, देसी गुड़ दोस्तों, वो 70-80 रुपये के जी बिक रहा है, 60 रुपये से नीचे तो है ही नहीं है। बस उसमें कोई मिलावट मत करना, जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, एक कसम खा के करना कि हम अपने सामान में जो भी उत्पादन करेंगे कोई मिलावट नहीं करेंगे, भले हमारा कम प्रॉफिट होगा, तो इस पर्पज से जब आप करेंगे एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा आपका बिजनेस अपने आप ऊपर होता जाएगा। तो इसमें आप दो तरह कर सकते, एक गुड़ वहाँ से आप बनाइए, दूसरे गुड़ जब आप बनाते हैं जिस कराह में बनाया जाता है, जिस दोस्तों कराही जो बड़े से होता है उसमें बनता है, तो उसमें कुछ गुड़ लगा रहता है, तो गांव में हमने देखा है पहले दादा परदादा या बनाया जाता था, तो उसमें जब पानी डाला जाता है तो पानी डालने के बाद वो एक टाइप का रस बन जाता था, तो जो रस बन जाता था तो उसकी जो दादी माँ वगैरह होती थी उसका सिरका बनाते थे, और वो सिरका खाने में बहुत लाजवाब है। तो आज के डेट में सिरका बहुत बिकता है दोस्तों, 50 रुपये का आधा लीटर बिकता है। तो जाओ गाँव का, आप गांव में बनता है सिरका बहुत बेस्ट बनता है, किसी किसी के घर का तो बहुत अच्छा होता है, और शहर में अभी आप खरीदते होंगे देखते होंगे क्वालिटी ही नहीं है, तो वहां से आप क्वालिटी का बनाइए, वो बेस्ट जान लीजिए एक हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका आप बना करके सिरका बेचिए, तो उसको ब्रांड बनाने के लिए आपको मार्केट में प्लास्टिक की बोतल सस्ते मिल जाएगी, वो खरीद लीजिए, स्टिकर चिपका के मार्केट में उसकी ब्रांडिंग करिए, तो गुड़ का और गुड़ के पानी का दोनों तरफ से आप बिजनेस इसका अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया फिश हैचिंग का बिजनेस, मछली पालन का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है, सबसे अच्छा है। इसमें सरकार जो वहाँ के ज़मीनें होती हैं खाली ज़मीनें, उस पर सरकार पट्टा देती है, उस पर आपको सब्सिडी देती है, तो उस पर जो आपको पट्टा होगा तालाब खुदवाएंगे उसमें मछली भी पालिए, उसका भी प्रॉफिट लीजिए, और उसके जो साइड में 10 साल के लिए पट्टा होता है, 10 साल में उसमें आप पेड़ साइड में लगा लीजिए, आपका पेड़ रेडी हो जाएगा, उधर भी आपकी कमाई होगी। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आ गया 15वां पोल्ट्री का बिजनेस, ये मुर्गी पालन बहुत बेस्ट बिजनेस है, लोग बहुत मांस मछली भी खाते हैं, तो इसका भी बिजनेस, इस पर भी सरकार सब्सिडी देती है, सरकार से पैसा लीजिए और मुर्गी पालन खोलिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको ध्यान देना मुर्गी को कब कब दवा देना है क्या है, इसके लिए कंपनियां खुद अपने AMR एजेंट टहलते रहते हैं, आपसे खुद संपर्क करेंगे, भैया ये दवा दीजिए आपकी मुर्गी तंदुरुस्त होगी, ये दाना खिलाइए, इसमें सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फुलावा है दोस्तों रियल इस्टेट प्रोफेशनल बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस, आप टहलते हुए अपने कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, आपके एरिया में जो बिल्डर हैं कंस्ट्रक्शन है उनसे संपर्क करिए, संपर्क करने के बाद उनके आप एसोसिएट एजेंट बन जाइए, फिर उसके बाद ग्राहक ले जाके जमीन बिछाइए और आप पैसे कमाइए, इसमें भी 15-20% कमीशन मिलता है, टहलते हुए मस्त होते हुए आप कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, आपके पास कुछ पैसा है छोटे पूंजी बड़े पूंजी में बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, चूंकि घर हर सीजन में कुछ ना कुछ घर बनवाता रहता है, कोई कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप बिल्डिंग मटेरियल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें बाद में आप फेरमेंट वगैरह लोहा वगैरह सब अपना रख के अच्छा काम करिए कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया 18वां हार्डवेयर का स्टोर, आप हार्डवेयर का स्टोर भी खोल सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है, तो इसका दोस्तों अब गांव में भी चलता है, बहुत अच्छा से चलता है, बस ये देखना है कि यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, उसी टाइप के लोग के हिसाब से आप सामान रखिए, बस स्टॉक ज़्यादा नहीं रखना है, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी आपके बगल में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं 4-6-10 किलोमीटर की दूरी पर, आप ऑर्डर दीजिए वो आ जाएगा, ला के दे दीजिए, उनसे ऑर्डर ले दीजिए, अगले दिन प्रोवाइड कर दीजिए, बस करने का तरीका हो, सारे बिजनेस आसान है। उसके बाद दोस्तों हो गया सीड एंड फर्टिलाइजर स्टोर, अब बीज भंडार एंड खाद की, ये भी दुकान बहुत चलती है, हमेशा चलती है, इसको भी आप खोल सकते हैं, बस इस पर आपको ध्यान देना होगा, माल ज़्यादा नहीं रखना है, ये मतलब सीजन के हिसाब से आपको बीज भंडार रखना है, अब सीजन के हिसाब से आपको कीटनाशक दवाएं रखना है, उसमें आप खाद वगैरह रख सकते हैं, अच्छा पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया कोचिंग क्लासेस, बिना पैसे की कोचिंग, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, मैथ में एक्सपर्ट, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाइए,
और वहाँ पे कमरे ले लीजिए, कमरे भी 1000-1500 रुपये मिल जाते हैं, कुर्सी मेज ले लीजिए, डाल दीजिए और कोचिंग शुरू कर दीजिए। एक बार आपकी जो लागत लग गई, फिर लागत लगनी नहीं, प्रॉफिट होना है। तो एक सब्जेक्ट में जिसमें आपकी पकड़ हो पढ़ाइए, जिसमें आपकी पकड़ नहीं उसके टीचर आप हायर करके उसको भी पढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस जब आपका धीरे धीरे ग्रो हो जाए तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाइए और बड़े लेवल पर ले जाइए। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए इसको आप ऑनलाइन भी कर दीजिए। कई तरीके से कमाई का तरीका है, बस आप कदम तो बढ़ाइए। कदम आप बढ़ाएंगे, कदम अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया स्विमिंग मशीन का बिजनेस, यानी सिलाई मशीन का सेंटर। बहुत बढ़िया बिजनेस है। आजकल पैंट शर्ट सिलाने का 500 रुपये है, इससे नीचे कहीं नहीं है, मिनिमम है। ऊपर तो 1000-1200 रुपये है। आप कारीगर रख लीजिए, आप एक्सपर्ट नहीं है तो कारीगर बहुत मिल जाते हैं। कारीगर रखिए, मशीन रखिए और उसी में सिलाई करिए। बस क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, धागे से समझौता मत करिएगा। कारीगर अच्छा रखिएगा, अच्छे से सिलाई करिए, लेडीज एंड जेंट दोनों सिलाई करिए। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। एक पॉइंट फाइव सिलने में आपका 10-12 रुपये का धागा लगता है, आपका 500 रुपये आता है। कारीगर को 200 रुपये दे दिए तो भी आपका 250-250 रुपये आराम से बच जाएगा। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद आ गया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज की जो भी नौकरियां हो रही हैं उसमें कंप्यूटर कोर्सेज मांगे जाते हैं, तो कंप्यूटर कोर्सेज बहुत तरह के होते हैं। तो आप एक दो कंप्यूटर हायर कर लीजिए, सेकेंड हैंड लेके ही शुरुआत कर लीजिए। तो आप शुरू करिए, बस पढ़वाइए और अच्छे से आपका उसमें भी इनकम कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया दोस्तों फोटोकॉपी का सेंटर। फोटोकॉपी आप भी कर सकते हैं। फोटोकॉपी 8-10 हज़ार की मशीन ले लीजिए, अगर आपके तहसील के आसपास मिल जाए तो और बेस्ट है, नहीं तो जिस मार्केट में वहाँ पे फोटोकॉपी भी करिए, ऑनलाइन का भी काम करिए। ऑनलाइन का सबको डेली कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, तो इसका बिजनेस भी आप आसानी से करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया काम पानी पूरी का बिजनेस। सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। आप एक ठेला ले लीजिए 2-2.5 हज़ार का, पानी पूरी बनाइए, पानी घर पे बनाइए, पूरी रेडीमेड मिलती है, रेडीमेड खाइए, बढ़िया से खिलाइए। बस ये ध्यान देना है आप क्वालिटी बना के रखिए। दुकान आपकी जो ठेला हो फर्स्ट क्लास सजा हो, आप बाल में जो है कैप लगा लीजिए जैसे लगे, हाथ में मास्क लगा लीजिए, लगे भैया और मुंह में जो है दोस्तों कोरोना चल ही रहा था, तो इसके बाद सेफ्टी रखिए। भैया ये छाँक छींकते उठते हैं तो सब बड़ी सेफ्टी है उनके यहाँ, बहुत साफ सफाई से खिलाते हैं। ये सब चीज़ें एक क्वालिटी लेके चलना होगा, एक मेंटेन लेके चलना होगा, तो आप अभी कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होगे। ये भी बिजनेस है। और लास्ट का बिजनेस है दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस। एक बार पूंजी लगा दीजिए, बार बार इसमें पैसे आते जाते रहते हैं। गाँव में हुआ, सिटी में, हर एक जगह कुछ ना कुछ हफ्ते दो हफ्ते में फंक्शन होते रहते हैं। अब इतना बड़ा पूरा एरिया है तो वहाँ पर भी एक पूंजी लगा के आप अच्छी सी इनकम कमा सकते हैं। ये दोस्तों 25 बिजनेस जो हम आप लोगों से शेयर किए, ये 25 बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे। इस बिजनेस में कभी घाटा आपका नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इसको आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम 25 बिजनेस को कैसे करना, अगर करेंगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो आप जिस बिजनेस को जब करने की ज़रूरत समझें या जब करना आप चाहें तो आप उसके बारे में आप पूछिए, या आप तो कहेंगे तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, या आप जैसे पूछिए हमें कमेंट बॉक्स में आकर के एक एक पॉइंट की एक एक जानकारी हम आपको दे देंगे, आपको एकदम बिजनेस करने में एक्सपर्ट बना देंगे, विश्वास मानिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।